वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए, जम निवास साथियों, असलाम वालेकुम साथियों। वाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। तो साथियों, बड़े दुख की बात है संसार के अंदर। वैसे तो जो आया है उसने जाना ही है, संसार के अंदर जो पैदा हुआ वो उसने मरना है। संसार के अंदर जितनी चीज़ें आई हैं, सूर्य, चांद, ब्रह्मांड है, ये एक दिन ख़त्म होना है। ये अलग बात है कि मतलब ये उनका लिमिट टाइम, उनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसानों का भी टाइम होता है। हर एक चीज़ का जो इंसान का वक्त होता है वो निकल जाता है अपने हिसाब से। लेकिन दुखदाई बात इस बात की है कि जो अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पनडुब्बी, जो जिसको कहते हैं पनडुब्बी कहते हैं, या जो जो ये जो 5 अरबपति बोलते हैं इनको, 5 अरबपतियों की कहानी समाप्त हो गई है। टाइटन ने जो है, टाइटन का जो 110 साल पहले या 100 साल पहले जितना भी था, वो जहाज़ जो जहाज मतलब जहाज जो है वो अस्थिग्रस्त हो गया था, मतलब जो ख़त्म हो गया था, जो पानी के अंदर चला गया था, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। अभी लोग गए यहाँ से, 5 अरबपति थे। तो अभी एक कहानी भी सुनने में आ रही है कि जिस मटेरियल का बनता है, जो और भी बहुत सारे लोगों ने बना रखा है, कि उसने जो ये जो पनडुब्बी का जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो मतलब ख़त्म हो गई है, ये उस मटेरियल की नहीं है। उसमें उन्होंने सब सुनने में आ रहा है कि जो उनके बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो मतलब उसके जो जिसने बनाई थी, उन्होंने मना भी किया था भी इसमें जो है ठीक नहीं है। तो उसने वो रिपोर्ट भी फाड़ कर फेंक दी, मतलब कुछ ऐसा चल रहा था कुछ। लेकिन क्या है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इनमें एक ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो मतलब इसने जो इसका पनडुब्बी का मालिक था, उसने किसी से संपर्क किया था, उसका लड़का भी था, उसने लड़का उस दोनों को संपर्क किया। 25 लाख डॉलर जो है एक आदमी का किराया है इसमें, 25 लाख डॉलर जो है उसको देखने का, भला इसमें पानी के अंदर जा कर के उसको देखना, 25 लाख डॉलर एक बंदे का जो है मतलब किराया। अब दो जाएंगे तो समझ लेना कि 5 मिलियन डॉलर जो है, 5 मिलियन डॉलर में 2 टिकट आ रही हैं, तो इसमें जो है कितना बड़ा मतलब एक तो कितना बड़ा खर्चा, और ऊपर से ये जो 5 आदमी गए थे, 5ों के 5ों उसमें ख़त्म हो गए, 5ों के 5ों वापसी नहीं आए। वहाँ पता नहीं कितनी मछलियाँ घूम रही हैं, क्या क्या घूम रहा है वहाँ पर, कितना कुछ घूम रहा है, तो वहाँ पर जा कर के कोई वापस नहीं आए। तो ये बड़ा दुखदाई है कि वो जो पता नहीं इसके जो एक जो पाकिस्तान के जो अरबपति थे, अमेरिका में है शायद, वो अमेरिका के पता नहीं कहाँ के थे, उसका लड़का भी उसमें था, और वो इसका बाप भी था उसमें। तो बाप बेटा हो सकता है शायद उसके आगे बच्चे भी ना हो, क्योंकि बड़े बड़े जो ये अपने आप को अरबपति समझते या खरबपति समझते, वो एक बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं सारे को, एक बच्चा ही बहुत है, ऐसा होता है। लेकिन क्या किसी को क्या पता था कि इनके जो है इनका जो सफ़र ये आखिरी होगा, किसी को क्या पता था कि जाने के बाद में फिर वापस नहीं आएंगे, किसी को क्या पता था कि पानी की जो सतह है इंसान इनको खा जाएगी, किसी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन कुदरत का खेल जो है, ये कुदरत का खेल का समझो या उसकी लापरवाही समझो पनडुब्बी वाले की, या कुछ और समझो, लेकिन बंदे तो चले गए ना। अभी जो है उनके पैसे के पैसे चले गए, वो बंदे के इंसान के इंसान चले गए, अभी कहाँ से लाए गए। तो ये जो हुआ बड़ा हादसा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ और बहुत ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि क्या होता है इंसान किस रूप में जो गए थे वो देखने के लिए, किस हिसाब से गए थे देखने के लिए, लेकिन बेचारे वापस नहीं आए। मैं देखा वीडियो, उसमें बहुत चल रहा है, बहुत सारे वीडियो चलते रहते हैं इसमें, यूट्यूब पर चल रहे हैं वीडियो बहुत सारे, इसमें पनडुब्बी का देखा होगा अपने, सभी ने फोटो देखे होंगे, उसमें बहुत कुछ चलता है। लेकिन क्या चलें इसमें, कि जो है दुनिया के अंदर जो आया, जाना तो है सब ने जाना है, लेकिन वो लड़का जो 19 साल का लड़का था, ये सिर्फ 19 साल का लड़का जो उसमें ओशन में जा कर के ख़त्म हो गया। तो ये मैं इसको यही कह सकता हूँ कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था, जहाँ पर ऐसी बड़े जो पहले से ही वहाँ उसको सब पता है भी वहाँ पर पानी इतना है कि वहाँ से आदमी बाहर अगर आएगा भी, वो बताते हैं कि जो जो ये जो पनडुब्बी होती है ये उसमें अंदर मतलब जब इसको बाहर ही आकर खोल सकते हैं उसको, और अंदर से वहाँ जो है उसको खोल नहीं सकता कुछ भी, इस तरह का सिस्टम है उसमें कुछ, तो पहले से उसको फिट किया गया। तो ये क्या कह सकते हैं इसमें, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि
ऐसी जगह जिस जहाँ पर पता है कि यहाँ पर ऐसा कांड है, यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो खतरा इतना, जब चारों तरफ से वहाँ पर खतरा ही खतरा है, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो जब किस्मत के, किस्मत क्या इसमें, मैं ये भी नहीं कह सकता कि खुदा का खेल था, मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो इसमें पनडुब्बी वाले खतरा था, पर मेरे जान चली गई बंदों की पता, तो ये जान चली गई उसकी, जो अगर लड़की की माँ, जो 19 साल की अगर लड़की की माँ क्या सोच रही होगी, उसकी उसके जो अपना जो पति भी नीचे चलेगा उसका, उसकी बेटा भी चलेगा उसका, वो कैसे गुजारेगी अगर वो अकेली हुई बाई चांस, उसका कोई भाई बहन ना हुआ, तो कैसे गुजारेगी अपने दिन, कैसे गुजारेगी रात, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये जो हुआ, ये बस मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि खुदा जो है उन बच्चों को, उनको सबको अपने चरणों में, अपने उसमें निवास बख्शना, ताकि उनकी जो यात्रा जिंदगी में खैर आने आया हुआ, यहाँ पर जिसकी सफल तो उसी की होती है जो सच्चे और ईमानदारी से काम करते हैं, जो सच्चे और ईमानदार होते हैं उन्हीं की यात्रा सफल होती है संसारक, बाकी तो ऐसे होता है। तो हम जो है वाहेगुरु का अरदास करेंगे कि उनको आत्मा को शांति मिले, उनको अपने चरणों में निवास बख्शन, चाहे उन्होंने बुरे कर्म किए अच्छे करे, तो गुरु तो रब जानता है, जो इसने पैदा किया संसार वो सब कुछ जानता है। बस इतने हम तो अरदास कर सकते हैं, बस हे मालिक वो बिना मौत के, ये इसको बिना मौत के कह सकते हैं कि जब जाकर अंदर पानी के अंदर जाकर मौत होगी उनकी, ये बिना मौत के मरे, तो ये वाहेगुरु इनको अपने चरणों में बख्शन निवास बख्शना, और इनको परिवार को हिम्मत बख्शनी, हौसले बख्शने, हे वाहेगुरु तू बख्श लेना सबको। थैंक यू, सबका सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।